डियर स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स पेपर टू जोमेट्री टॉपिक इज सिमिलैरिटी स्टैंडर्ड टेंथ चैप्टर नंबर वन सिमिलैरिटी दिस इज अवर लेक्चर नंबर सिक्स जोमेट्री जो चैनल का नाम लिखा है लाइक शेयर सब्सक्राइब और रेफर लेक्चर फ्रॉम वन टू फाइव तो आज जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं ये हमारा है लेक्चर नंबर सिक्स स्टैंडर्ड टेंथ ज्योमेट्री सिमिलैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आने वाला है और आपको बार बार मैंने बताया कि आपके दो पेपर्स होते हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री अलजेब्रा बहुत सिंपल होता है कैलकुलेशन बेस है बट ज्योमेट्री इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट को ज्योमेट्री बहुत डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन जो नोट्स मैंने बनाए हैं जो वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, ये वीडियोस सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए बनाए हुए हैं। इन वीडियोस को आप पूरा देखेंगे टेस्ट बुक को रेफर करेंगे नोटबुक लेंगे प्रैक्टिस करेंगे वीडियोस को बार बार देखेंगे तो ये चैप्टर आपको अलजेब्रा से भी ज़्यादा सिंपल लगने वाला है अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर वन लेक्चर नंबर वन में हम लोगों ने देखा था इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं सिमिलैरिटी के बेसिक कंसेप्ट्स एंड थेरम ऑन एरियाज़ ऑफ ट्राइंगल ये हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर वन में लेक्चर नंबर टू में हम लोगों ने थेरम ऑन एरियाज ऑफ़ ट्रैंगल के ऊपर बेस क्वेश्चंस पढ़े थे द क्वेश्चंस बेस ऑन थेरम्स ऑन एरियाज ऑफ ट्रैंगल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 1.1 हम लोगों ने देखा था लेक्चर नंबर टू में लेक्चर नंबर थर्ड में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताया था बेसिक प्रोपोशनैलिटी थेरम और कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोशनैलिटी थेरम इसका प्रूफ आपके पेपर में आने वाला है प्रूफ ऑफ बेसिक प्रपोशनैलिटी थेरम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिर हमने लेक्चर नंबर फोर में बेसिक प्रोपोशनैलिटी थेरम कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोशनैलिटी थेरम के ऊपर बेस एग्जाम्पल्स देखे वो भी एग्जाम्पल्स आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर उसके बाद इन लेक्चर नंबर फाइव हमने पढ़ा था टेस्ट ऑन सिमिलैरिटीज ऑफ़ ट्रायंगल सिमिलैरिटी के जो टेस्ट होते हैं उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था पूरे टेस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस हमने पढ़े थे लेक्चर नंबर फाइव फोर में फाइव में उसके बाद अब हम जब देखेंगे लेक्चर नंबर सिक्स इट इज़ बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स बेस ऑन थेरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राएंगल सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल बेस ऑन थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रैंगल अभी चैप्टर में एरिया के ऊपर दो थेरम्स है एक थेरम्स ऑन एरियाज ऑफ ट्राएंगल में ट्राइंगल सिमिलर नहीं थे एवन अपॉन ए टू इक्वल बी वन इंटू एच वन बी टू इंटू एच टू एवन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू वेन द हाइट्स आर इक्वल ए वन अपॉन ए टू इक्वल एच वन अपॉन एच टू वैन बेसेस आर इक्वल ये तीन थेरम हम लोगों ने पढ़े थे ये थे ओरिजिनल थेरम लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इस थेरम को प्रूव करने के लिए हमने जो लेक्चर नंबर वन में पढ़ा था थेरम ऑन एरियाज ऑफ़ ट्राइंगल उसका हमें यूज़ करना है प्रूफ भी आपको प्रिपेयर करना है सेल प्रिपेयर करना है उस वीडियो को देखेंगे टेक्स्ट बुक को रेफर करेंगे हेडफोन लगाएंगे और ढंग से प्रैक्टिस करेंगे शॉर्टकट कर यूज़ नहीं करना है हार्डवर्क के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है हार्डवर्क से ही आपको सक्सेस मिलने वाला है अलजेब्रा के हमने इसके पहले लेक्चर्स बनाए थे चैप्टर नंबर वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये वीडियोस पूरे देखना है इससे ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल है इन वीडियोस का आप यूज़ करेंगे और स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके टीचर को इम्प्रेस करेंगे जोमेट्री से अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जो वीडियोस में बना रहा हूँ उन वीडियोस को पूरा हेडफोन अच्छे से लगाकर पूरा वीडियो देखेंगे और अभी भी मैक्सिमम लोग सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं तो उनको फिर तकलीफ़ होने वाली है आगे में तो इन वीडियोस को देखेंगे मैक्सिमम फ्रेंड्स को बताएंगे एरिया में बताएंगे ट्यूशन क्लासेस में बताएंगे स्कूल्स में दूसरे सेक्शन को बताएंगे मैक्सिमम लोगों को जिनको आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें आपको ये सब वीडियोस बताना है तो चलिए अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर सिक्स जोमेट्री स्टैंडर्ड टेन सिमिलारिटी रेफर लेक्चर वन टू फाइव ये वीडियो हमारा डिपेंड है एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन थेरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है अब आपको यहाँ याद रखना है कि दो ट्रायंगल है दो ट्राइंगल सिमिलर है सिमिलर अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करस्पोंडिंग साइड सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राएंगल पी क्यू आर इसके तीन साइड लिखेंगे ए बी बी सी ए सी इसके तीन साइड लिखेंगे पी क्यू क्यू आर और पी आर साइड का क्या करेंगे स्क्वायर अगर ट्राइंगल के नाम हैं तो ये नोटेशन यूज करेंगे और अगर ट्राइंगल के नाम नहीं तो हम नोटेशन यूज़ करेंगे ए वन अपॉन ए टू एस वन स्क्र अपॉन एस टू स्क्वा वन मीन्स एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रैंगल एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल

टेक्स बुक पेज नंबर ट्वेंटी फ़ाइव पर देखिए टेक्स बुक को रेफर करेंगे वन पॉइंट फोर द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सिमिलर ट्रेंगल मतलब रेशो ऑफ साइड इज़ गिवन एस वन अपॉन एस टू इज़ गिवन थ्री एस टू फाइव ट्राइंगल के नाम नहीं है फ़ाइन द रेशो ऑफ देयर एरियाज मतलब ए वन अपॉन ए टू का रेशो फाइन करना है तो सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला ट्राएंगल के नाम नहीं ये जो अलग अलग स्क्वायर है इसको कंबाइन करेंगे इसको रिप्लेस करेंगे स्क्वायर करेंगे रीज़न लिखेंगे थेरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल नंबर टू इसमें ट्रायंगल के नाम दिए हैं, ट्रायंगल्स आर सिमिलर ए बी पी क्यू साइड दिया तो बाकी के साइड लेने का नहीं हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है ए बी और पी क्यू का स्क्वायर करेंगे टू एस टू थ्री देन फिल इन द ब्लैंक्स तो लिखने का एरियाज ऑफ टू ट्रैंगल सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रपोशनल टू द स्क्र ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर टू बाई थ्री का स्क्वेयर करेंगे इट इज फोर बाय नाइन फील इन द ब्लेंस एक्टिविटी बेस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राएंगल्स आर सिमिलर पहले ट्राइंगल का एरिया दिया दूसरे का एरिया दिया आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करना है तो लिखने का एरिया इज प्रपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ करस्पोंडिंग साइड उसके बाद हम वैल्यूज रखेंगे इसको कैंसिल करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसल और कैंसिल करके लेंगे स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट सो योर आंसर इज फोर अपॉन फाइव रीजन आपको हर क्वेश्चन में लिखना है थेरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्वेश्चन नंबर फोर अगेन ट्रायंगल सिमिलर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इज गिवन क्यू आर इज गिवन ट्वेंटी एम एन तो आपका क्वेश्चन है क्यू आर और एम एन से रिलेटेड तो बाकी साइड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर इसको आप एडजस्टमेंट करेंगे ये ट्रैंगल एरिया पी क्यू आर को इधर ट्रांसफर करेंगे सिक्सटीन को इधर ट्रांसफर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करने के बाद एरिया का थेरम बनाएंगे एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्क्वास्पॉन्डिंग साइड एलेम एन का लेंगे एम एन इसका लेंगे क्यू आर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल रीजन वैल्यूज रखेंगे स्क्वायर रूट लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है टेकिंग स्क्वायर रूट नाइन थ्री सिक्सटीन फोर एम एन स्क्वायर एम एन ट्वेंटी स्क्वायर ट्वेंटी क्रॉस क्रॉस करेंगे सो एम एन बिकम फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फाइव एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राएंगल इसमें सिमिलर लिखा रहेगा सिमिलर ट्राएंगल सा टू ट्वेंटी फाइव एटी वन नाम नहीं है इफ़ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्राएंगल इज़ ट्वेल्व अब ये टू ट्वेंटी फाइव है ये एटी वन है इसका मतलब इसका एरिया कम है तो नीचे वाला ट्राएंगल ये स्मॉल ट्राइंगल रहेगा साइड ऑफ स्मॉलर ट्राएंगल इज़ ट्वेल्व इसका ट्वेल्व है इसका आपको निकालना है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रेंगल नाम नहीं है एवन अपॉन ए टू एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर रीजन लिखना है थेरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वैल्यूज रखेंगे रिप्लेस करेंगे स्क्वेयर रूट लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अटेकिंग स्क्र रूट टू ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन एटीन का एटी वन नाइन एस वन स्क्वायर एस वन ट्वेल्व स्क्वायर एस ट्वेल्व क्रॉस करेंगे सोसाइड ऑफ बिगर ट्रैंगल ट्वेंटी यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्रैंगल एबीसी एंड ट्रैंगल डी एफ आर इक्वी अब आपको पता होना कि इक्विलेटर एंगल्स आर इक्वी एंगुलर सभी एंगल 60 के होते हैं और आपको पता है कि वेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉन्ग्रो एंड द ट्रेंगल्स आर सिमिलर इसका मतलब ये दोनों ट्राएंगल्स सिमिलर है सो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ए बी साइड लेंगे डी ई साइड लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे वैल्यू रखेंगे वैल्यू रखने के बाद स्क्वायर किया फोर का स्क्वायर सिक्सटीन उसके बाद हमने क्रॉस किया क्रॉस करने के बाद डी बिकम अंडर रूट थर्टी टू सो अंडर रूट थर्टी टू को लिखेंगे फोर रूट टू तो ये था हमारा लेक्चर नंबर सिक्स ज्योमेट्री चैप्टर नंबर वन सिमिलैरिटी नेम ऑफ चैनल पूरे वीडियोस देखेंगे अच्छे से पढ़ेंगे ये पूरा वीडियो देखना है हेडफोन लगाना है अच्छे से पढ़ेंगे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करेंगे और ढंग से पढ़कर टीचर को इम्प्रेस करना है ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट अब इसका थेरम आप सेल्फ प्रिपेयर करेंगे और यूनिट टेस्ट में आपको अच्छे से मार्क्स कवर करना है टेक्स बुक को रेफर करना है प्रॉब्लम सेट जितने भी है वो सेल्फ आपको करना है वो हम आपको नहीं बताएंगे पूरे वीडियो देखेंगे उसके बाद प्रॉब्लम सेट वन पूरा कंप्लीट करना है थैंक यू